ईद मुबारक। आज है ईद का फर्स्ट डे और ये वीडियो जो है वो सेकंड डे अपलोड होने वाली है। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, बात मैंने ले लिया था। अब जल्दी से जब अपना हेयर स्टाइल और ड्रेस को चेंज कर लेते हैं और मेकअप कर लेते हैं, तो चलो पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। ये है जी मेरा गरारा, जिसका फ्लेयर बहुत ही ज्यादा है और ये वेट में भी थोड़ा सा हैवी है। मैं इसको पहनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गोल्डन गरारे के साथ ये रेड कलर का जो है वो फ्रॉक बना हुआ है। इसकी बॉडी पे बहुत ही ज्यादा प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। ये मैंने क्रिज़्मा से बाय किया था, वो भी मामा की पसंद का है। मुझे तो पता भी नहीं था मामा लेकर आ रही हैं। और ये मैंने डिस्काउंट के बाद 8,990 रुपीस में बाय किया था। ये मेरी ईदी है मामा की तरफ से, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे पहनने के लिए। तो चलो ड्रेस चेंज करके आती हूँ। और ये पहनने के बाद ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको वीडियो में जैसा लग रहा है ना, रियलिटी में ये उससे ज्यादा प्यारा लग रहा है। 2 बज चुके हैं, टाइम नहीं है, जल्दी से मेकअप कर लेते हैं अपना, तो चलो चलते हैं। ये है जी बच्चा पार्टी और भाई सब बैठे हैं और मुझे वीडियो बनाना है। क्या करें यार, मैंने सोचा स्ट्रेट तो मैं हर रोज ही करती हूँ, चलो आज कर्ल्स करते हैं। तो लुक भी मेरा कुछ देसी है ना, तो कर्ल्स काफी अच्छे लग रहे थे मेरे ड्रेस के साथ। मेरे कर्ल्स इतने ज्यादा प्रीटी लग रहे थे ना कि मुझे देखकर मेरे भाभी ने भी करवा लिया। अब उनको मैं दिखा नहीं सकती। अब प्रॉपर मेकअप हेयर स्टाइल हो चुका है, अब लिपस्टिक की बारी आती है। हम लिपस्टिक लगा लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे एमली का लिप ग्लॉस यूज किया है। यहाँ पर मेरे पास गोल्डन ब्रेसलेट थी लेकिन मेरे स्लीव्स बहुत ज्यादा लंबे हैं तो बाजू तो नजर आना नहीं था, तो इसलिए मैं अपनी ब्रेसलेट को धागा बांधकर अपने गले पर चोकर टाइप कुछ बनाने वाली हूँ। ईद है तो क्या हुआ, हैक तो यूज करना चाहिए ना। वर्कर पीछे धागा डाल रही थी चेन में और मैंने जल्दी से रिंग्स पहन ली। अब हम लोग जल्दी से अपना चोकर बना लेंगे, नेक पर पहन लेंगे। और ये पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, लग ही नहीं था रहा कि ये ब्रेसलेट है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ ये चोकर अच्छा लग रहा है ना मेरी नेक पर। ईद ज्वेलरी कलेक्शन में मैंने आपको ये वाले इयररिंग्स दिखाए थे ना, तो मैं ये वाले इयररिंग्स वेयर करने वाली हूँ। इनका कलर थोड़ा सा मेरे ड्रेस में मैच नहीं हो रहा और मेरे पास प्रॉपर गोल्डन कलर के इयररिंग्स हैं बट वो पुराने हैं, तो मैं पुराने इयररिंग्स बिल्कुल नहीं पहनने वाली। फिर मैंने इनको पहनकर ट्राई किया और काफी ज्यादा मजे के लग रहे थे, तो मैंने इनको फिर नहीं उतारा और मैं यूं ही रेडी हो गई। अच्छे लग रहे हैं ना। अब हम चूड़ियां पहनते हैं, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी और इसमें काफी ज्यादा कलर है, 2 कलर्स मैं घुमा चुकी हूँ जो कि नियोन एंड रेड कलर था। अब ये वाला कलर मेरे ड्रेस में मैच हो रहा है, तो मैं ये वाला कलर पहनने वाली हूँ अपने ड्रेस के साथ। क्योंकि चूड़ियां मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, इससे मैं 2-2 पहनने वाली हूँ। ये वाले हील्स जो कि मैंने कभी नहीं पहने क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं थे, और अब मुझे पता चला कि मेरी कॉलेज की इंचार्ज ने ये पहने हैं तो तब से मुझे ये पसंद आ गए, तो आज मैं भी पहनने वाली हूँ। मुझे ना अपना फर्स्ट डे का प्रॉपर लुक ही बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। आप लोगों को मेरे फर्स्ट डे का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके साथ दुपट्टा नहीं था इसलिए मैंने मामा का ले लिया था। कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके बाय।